एक बार आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि मलाई गोभी कैसी बनी है। हमें आशा है आपको बहुत ही अच्छी लगी। और ऊपर से हमने डाल दिया थोड़ी सी धनिया की पत्ती। हाय गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ मलाई गोभी मलाई। तो गोभी मलाई बनाने के लिए हमने ये लगभग एक डाँट यानी ये 1 केजी से कम ही गोभी है, इसे हमने अच्छे से धो लिया और ये छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। और हम इसे पहले बनाने से पहले अच्छी तरह से चेक कर लेंगे कि कहीं इसमें कीड़े ना हो। वैसे अभी नए नए गोभी आ रहे हैं मार्केट में, इनके टेस्ट भी बहुत ही अच्छे हैं और इससे मलाई गोभी बहुत ही अच्छा बनेगा और बहुत ही कम सामान में बनेगा। हाँ, इसका मेन एक ही इंग्रेडिएंट्स है, एक ही जिससे ये बन जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा सामान की आवश्यकता नहीं है, ना तो लहसुन चाहिए और ना ही प्याज चाहिए। तो देखिए, मैं आपको अभी मलाई गोभी बना के दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हमें कढ़ाई रख लिए और इसे हम अच्छे से गर्म कर देंगे। जब हमारा कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गया तो इसी में हम डालेंगे या तो घी या रिफाइंड ऑयल। इसमें आप सरसों तेल यूज ना करें, वैसे आपकी इच्छा। इसमें लगभग 2 से 2.5 टेबल स्पून हमने रिफाइंड ऑयल डाल दिया। आप उसमें घी भी डाल सकते हैं और इसे हमें अच्छे से गर्म करना है। जब हमारा तेल गर्म होने लगे, अच्छे से गर्म हो जाए, तो इसी में हम डाल देंगे 1/2 टेबल स्पून जीरा, साबुत जीरा और 1 पिंच हींग। इसे हमें चलाना नहीं है, बस थोड़ा चटकने दें। और फिर हम इसी में डाल देंगे हमने जो गोभी काट के रखा है। और इसे हमें खुले में लगभग 2 से 3 मिनट भूनना है, अभी ढकना नहीं है। जब हमारी गोभी का हल्का हल्का कलर चेंज हो गया, होने लगी, ज़्यादा इसे हमें भूनना भी नहीं है। तो इसी में हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, नमक और 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। हल्दी और नमक डाल के हमने इसे अच्छे से मिला लिया और इसी में हम डाल देंगे 1 बाउल छोटे बाउल से दूध। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दूध के अंदर नमक नहीं डालना है। तो मैंने जो नमक डाला वो सेंधा नमक था, आप अगर डालते होंगे तो डालिए, अन्यथा कोशिश कीजिए सेंधा नमक का ही यूज करने का। और इसी में हम डाल देंगे अपने घर का फ्रेश 1 चम्मच मलाई, क्योंकि अभी हमें गोभी को अच्छे से पकाना है तो हमने डाल दिया। और जो कुछ भी डालना होगा ये हम बाद में डालेंगे। तो इतना डाल के गैस को लो फ्लेम नहीं करके मीडियम फ्लेम पे इसे ढक के और 5 से 7 मिनट तक छोड़ देना है, ताकि हमारी गोभी बस सॉफ्ट हो जाए, टूटे नहीं। तो चलिए एक बार हम चेक कर लेते हैं। लगभग 2 से 3 मिनट हो गया, तो देखिए हमारा गोभी धीरे धीरे पक रहा है और ये टूट भी नहीं रहा। तो इसे हम थोड़ी देर, अभी लगभग 5-7 मिनट और ढकेंगे, ढक के छोड़ देते हैं। तो लगभग 3 मिनट हो गया, तो एक बार और हम इसे चेक कर लेते हैं। तुम्हारा गोभी पक गया, खुले में ही इसका पानी सुखा लिया, ये हमें ढकना नहीं है। और 2 से 3 मिनट अब हम इसे और पकाएंगे, ये पूरी तरह सूख जाए। इससे पहले हम इसमें कुछ मसाला ऐड करेंगे, जैसे 1/2 टेबल स्पून से भी कम हम डालेंगे इसमें पेपर पाउडर। 1/2 टेबल स्पून से भी कम इसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर
और इसी में हम डाल देंगे हमारा ये थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, जिसे हमें क्रश करके डालना है। कस्तूरी मेथी की खुशबू वाली सब्जी बच्चों को बहुत ही पसंद आती है, और इसे हम चला के और अच्छी तरह से सूखने डालेंगे। तो देखिए हमारा मलाई और दूध से किस तरीके से घी बाहर आ गया। तो अब इसमें हम गरम मसाला डालेंगे, और गरम मसाला जो मेन है वो इस प्रकार है। जो आपने देखा होगा गरम मसाले में एक मसाला होता है, उसको हम जावित्री बोलते हैं, वो हम जावित्री का पाउडर इसमें ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून। और ऊपर से हम डाल देंगे हरा धनिया, और हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, देखिए ये हमारी मलाई गोभी बिल्कुल तैयार है। मैं आपको सब्जी सर्व करके दिखाती हूँ। बहुत ही झटपट, बहुत जल्दी बनता है, और खाने में बहुत ही लजीज। जो बच्चे नहीं खाते होंगे गोभी, वो भी खाएंगे। आप अपने घर में एक बार ट्राई करके देखना, इसमें बहुत सारे सामान भी नहीं लगते और सब्जी बहुत ही लजीज तैयार होती है। तो एक बार आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि मलाई गोभी कैसी बनी है। हमें आशा है आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। और ऊपर से हमने डाल दिया थोड़ी सी धनिया की पत्ती। थैंक्स फॉर वॉचिंग।